झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लाभ के पद के मामले में उनके वकील ने चुनाव आयोग से राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी गई उनकी राय के एक प्रति मांगी है। सोरेन के वकीलों ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा कि कृपया हमारे मुकव्विल को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का सक्षम बनाने के लिए जल्द से जल्द राय की प्रस्तुति करे। वहीं बता दें कि इससे पहले सीएम सोरेन ने गुरुवार को बैस से मुलाकात की थी और उनसे मामलों को मद्देनजर रखते हुए विधायक के रूप में बने रहे के लेकर पिछले 3 सप्ताह से राज्य में व्याप्त भ्रम को दूर करने का आग्रह किया था। उन्होंने राज्यपाल से चुनाव आयोग के पत्र की एक प्रति भी मांगी थी। लाभ पद के मामले में सोरेन को विधानसभा से अयोग्य ठहराने की भाजपा की याचिका के बाद चुनाव आयोग ने 25 अगस्त को राज्यपाल को अपनी राय भेजी है। इसके बाद से ही राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया। हालांकि चुनाव आयोग के फैसले को अभी तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन अटकलें यह है कि चुनाव आयोग ने खनन पट्टे के संबंधित में एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री की अयोग्यता की सिफारिश की है। बाकी ये देखना है कि सीएम सोरेन का इस कुल मामले को लेकर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप भी ये जानने के लिए आप हमें कॉमेंट कर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं।